आज के दौरान हमें पता लगा करनाल से ये पेपर लीक हो चुका है। करनाल से पेपर लीक होने के बाद में उसको गुड़गांव में उसके आंसर की तैयार की गई। आंसर की तैयार करने के बाद हमारे यहाँ रेवाड़ी में दो जगह इनकी आंसर की भेजी गई। हम वहाँ यहाँ पर उन पर सर्वेलेंस पे थे। सर्वेलेंस के दौरान हमने उन आदमियों को पकड़ लिया जिन्होंने वो आंसर की आगे स्टूडेंट को देनी थी। उनमें से एक स्टूडेंट काबू आ गया, तीन आदमी स्कूल के जो दो आदमी स्कूल के जो कर्मचारी थे उनको काबू कर लिया और दो आदमी जो मीडिएटर का काम कर रहे थे जो आंसर की लेके आए थे उनको काबू किया। इस दौरान लगभग हमने तीन आदमी गुड़गांव एसटीएफ की इमदाद से, एक आदमी करनाल एसटीएफ की इमदाद से, पांच हमारी पुलिस ने यहाँ काबू किया। लगभग आठ आदमी हमने इसमें काबू कर लिए, नौ आदमी काबू कर लिए हैं। नौ को आज हमने कोर्ट में पेश किया। इसमें आगे कौन कौन शामिल है और ये कहाँ से किसने शुरुआत की इस काम की और इसमें कहीं और कोई जो भी ऐसी कोई बात है तो उसकी जांच के लिए हमने इनको पुलिस रिमांड पर लिया। आज पेश करके चार पांच लड़कों को सात दिन के लिया है, कुछ को तीन दिन के दो दिन के लिए लिया है। तो इस पूरे प्रकरण के लिए अभी पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इनसे मोबाइल बरामद हुए, मोबाइल में आंसर की इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए आगे भेजी थी। ये लगभग सवा दस बजे हम इस पर लगातार वाच पे थे ना, तो हमें सवा दस बजे ये पता लगा भी ये अभी आउट हो चुका और यहाँ ये व्हाट्सएप के जरिए आगे इसको देने के लिए जो आदमी आया हुआ है उस आदमी को हमने काबू कर लिया।